दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल पंकज यूट्यूब चैनल को एंड प्रेस कर दीजिए इस बेल के आइकन को ताकि आप पा सके मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत टेक्निकल पंकज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि फ्यूचर पे अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि यूट्यूब जो है कितने व्यूज के कितने पैसे देते हैं और कैसे देते हैं, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम ये सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको एक्सप्लेन पूरे अच्छी तरीके से करने वाला हूँ कि YouTube जो है कितने व्यूज़ के कितने आपको डॉलर्स देते हैं एंड वो डॉलर आपको किस तरह रिसीव होते हैं, ठीक है, अपने इंडियन बैंक अकाउंट पे। ओके, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज बोथरा है और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल पंकज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं तो यूट्यूब जो है आपको उस चीज़ के कुछ पैसे देता है, ठीक है। सो नॉर्मली क्या है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि यूट्यूब पे जब आपका 1000 व्यू होता है, यानी कि जब आप पे यूट्यूब का जो है यूट्यूब पे जो वीडियो आपने अपलोड किया है उस वीडियो का जब आपको 1000 व्यूज आपका कंप्लीट होता है तो उस चीज़ के आपको जो है $1 मिलता है। ये सभी ने आपने सुना होगा, ये सब ने सुना होगा ये चीज़। ओके, सो ये किस तरह होता है, इसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। क्या यूट्यूब बाकी में 1000 व्यूज का आपको $1 दे रहा है या उससे ज़्यादा दे रहा है या उससे कम दे रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें जानना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, सो नॉर्मली देखिए क्या होता है, ये मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं 2016 से यूट्यूब कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे इस चीज़ का अच्छी तरीके से नॉलेज हो चुका है कि यूट्यूब बाकी में 1000 व्यूज का $1 देता है या नहीं देता है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तब आपको यही कहूंगा कि यूट्यूब 1000 व्यू का बिल्कुल भी $1 नहीं देता, ठीक है। अभी देखिए बहुत सारे वीडियोज ऐसे आते हैं यूट्यूब पर जिनका कोई सेंस नहीं होता, ठीक है, जिन बिल्कुल ही मतलब एकदम नॉनसेंस टाइप के वीडियोस हैं, ठीक है, जिनका कोई भी सेंस नहीं है, कुछ भी एक उठा के वीडियोस अपलोड करते हैं वो लोग, ठीक है, जिनका अगर आप लोग देखोगे कि मिलियंस पे व्यूज हैं बट उनसे अगर आप पूछोगे कि भाई तूने इस वीडियो से कितने डॉलर कमाए हैं, ठीक है, तो उनका जवाब ये होगा कि $0, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये जवाब होता है कि पूरा $0 इनकम किया हमने एक सिंगल वीडियो से, ठीक है, अगर उनका 10 मिलियन व्यूज है तो भी। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि 1000 व्यूज का कैसे कैलकुलेट होता है, कि यूट्यूब आपको ये पैसा खुद देता है या जो है आपको कहीं और से मिलता है। सो मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए अच्छी तरीके से YouTube पे आने से पहले कि YouTube आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिल्कुल मत ज्वाइन करो। अगर आप ऐसा सोच के ज्वाइन करते हो तो क्या होगा कि आपको फ्यूचर पे जाके बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। पहला तो ये आपका खुद प्रोफेशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ यार मैं यूट्यूब पर जाके कुछ जेन्युइन वीडियोज बनाऊंगा एंड फिर मेरा मेहनत का जो भी पैसा है वो मैं लूंगा यूट्यूब से, ठीक है। ये आपका एक आपका होना चाहिए, आपका एक मोटिव होना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे ऐसा सोच के ज्वाइन कर रहे हो कि यार मैं वीडियोस अपलोड करूंगा एंड उस चीज़ के मैं दबा के पैसे कमाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम लोग इस पे सफल हो पाए हैं, ठीक है। मैं आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं 3 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, ठीक है, अभी 2019 चल रही है, आज 11 जून है, ठीक है, मैं आपको लाइव अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस टाइप का मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, ठीक है, अभी 11 जून है। तो मैं 3 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, 2016 से मैंने स्टार्ट किया था मेरा ये यूट्यूब चैनल टेक्निकल पंकज, ओके, और आज है 2019, 3 साल होने को चले हैं मेरे, ओके, 3 साल कंप्लीट हो चुका है, एक्चुअली मई पे मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। सो मेरे को यूट्यूब के बारे में एक एक चीज़ पता है कि यूट्यूब जो है कैसे पे करता है। 1000 जब आपका व्यूज होता है कोई भी मतलब वीडियोज पे, तब आप देखोगे कि बीच बीच में आपको $0 वो शो करता है, ठीक है। या आपके पास ये इसका 2 रीजन हो सकता है कि या तो आपका हो सकता है कि कुछ डिले वगैरह चल रहा हो अर्निंग पे, और या तो ये हो सकता है कि ये सब एडवर्टाइजर्स के लिए सूटेबल नहीं हो आपका वो वाला वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पर एडवर्टाइजर्स आपको मेन पैसा देते हैं, ये पैसा कोई आपको लेकिन यूट्यूब नहीं देता, ठीक है। जब आपका 1000 व्यूज होते हैं तो क्या होता है कि ये पैसा जो है आपको ये यूट्यूब नहीं देता, उसके एडवर्टाइजर्स आपको पैसा देते हैं। आपके वीडियोज पे आप नीचे देखोगे या आपके पूरे वीडियोज के फुल स्क्रीन पे देखोगे आप कि एक जो है एड चलता है, ठीक है, उस एड्स के आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो स्किपेबल एड है या नॉन स्किपेबल एड है, वो कोई बैनर एड है, ठीक है, या किस जिस भी टाइप का वो एड हो उसका भी मार्केट पे प्राइस क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट पे पैसे आते हैं, ठीक है, आपको डॉलर रिसीव होता है यूट्यूब की ओर से। अगर आप देखोगे कि जब आपके 1 लाख व्यूज होते हैं तो नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि अब जाके अपना $1000 होगा, मतलब अब जाके आपका $100 होगा। जब आपका 1 लाख व्यूज होता है तो क्या होता है यूट्यूब पे, तो तब आपका $100 होता है ताकि आप यहाँ से विदड्रॉ उठा पाओ, मतलब अपने इंडियन बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर पाओ, ठीक है। सो नॉर्मली कभी कभार ये जो हो भी जाता है, मतलब जब आपका 1 लाख व्यूज होता है तो तब जो है आपका क्या होता है कि $100 हो जाता है और तब आप वहां से विदड्रॉ उठा सकते हो। बट आप मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे कि जब किसी भी बंदे का 1 लाख व्यूज हुआ है, और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मैं पर्सनली उनसे बात करता हूँ जब, तब मुझे ये वो लोग बताते हैं कि उनका जो है 1 लाख व्यूज हो चुका है और उनका अभी तक वहां पर $1000 नहीं हुआ है, ओके, सॉरी $1000 नहीं, उनका अभी तक वहां पर $100 नहीं हुआ है, ठीक है।
ऐसा बहुत सारी वीडियोस पे होता है कि एडवर्टाइज मतलब फ्रेंडली नहीं होते उनके कंटेंट, जो एडवर्टाइजर जो है ज्यादातर उनके वीडियोस पे जो है एड चलाते हैं वो नहीं चलाते उनके वीडियोस पे एड, तो इससे उसके एड रेवेन्यू पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मतलब 1000 व्यूज के आपको $1 मिलना, ऐसा आप मतलब बिल्कुल ही पकड़ के मत चलना कभी भी। आपको जो है इससे ज्यादा भी मिल सकता है, इससे कम भी मिल सकता है, बट नॉर्मली आपको इससे कम ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा की उम्मीद बिल्कुल मत रखना यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब एक खुद ही बिजनेस कर रहा है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि अपने बिजनेस में लॉस करके आपको वो बंदा फायदा दे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 1000 व्यूज का आपको $1 मिलता भी है और कभी कभार नहीं भी मिलता। तो अगर आपका कंटेंट उस तरह का है कि एडवर्टाइजर फ्रेंडली है, जो कि नॉर्मली बड़े बड़े कंपनीज जो है आपके वीडियोस पे वो एड्स चला पाए, अगर आपको ऐसा लगता है आपका कंटेंट है, तो जरूर से आपका 1000 व्यूज पे एक क्या आपका $2 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपका ऐसा कंटेंट नहीं है, ठीक है, अगर आप जो है कुछ भी एक वीडियो जुटा के अपलोड कर रहे हो यूट्यूब पे, और अगर आप सोच रहे हो कि आपको उसके पैसे मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपका पहला तो वीडियो एडवर्टाइजर मतलब फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, और अगर आपका नहीं है तो जो क्या होगा कि आपके वीडियो के साइड में एक योलो डॉलर साइन आ जाएगा। योलो डॉलर साइंस बेसिकली क्या होता है कि वहां पर आपके वीडियोस पे जब जब आप वीडियो मैनेजर पे जाते हो, तो वहां पर आपका शो कर देता है कि नॉट सुटेबल फॉर ऑल एडवर्टाइजर्स, ओके। सो ऐसा आपका वहां पर कुछ एक लिखा हुआ आदत है, ठीक है। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि उस वीडियो पे आपको कोई भी एड्स वगैरह नहीं चलेगा, और जिस भी वीडियोस पे आपको एड्स नहीं चलेगा उससे आपको $0 अर्निंग होगी, ठीक है। यूट्यूब पे आप सिर्फ आके वीडियोस अपलोड करने पहले पहले तो लगो, ठीक है, ये तो आपका एक पैशन होना चाहिए। और जब आपको ऐसा लगे कि हाँ यार अब मैं यूट्यूब पे सेटल होने जा रहा हूँ, ठीक है, जब आपके पास एक सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे गेन हो जाएं, तो तब आप क्या करो कि आपका एक गूगल एडसेंस का आप अकाउंट बना लो, ठीक है। गूगल एडसेंस बेसिकली क्या होता है कि ये चीज आपको पैसा देता है, यही मेन चीज होता है। सिर्फ YouTube आपको पैसा नहीं देता, आपको पैसा कौन देता है कि गूगल एडसेंस देता है, जो आपके गूगल के एडवर्टाइजर्स होते हैं वो जो है आपको पैसा देते हैं, ठीक है। सो आपको गूगल एडसेंस को जो क्या करना है कि अपने YouTube चैनल के साथ लिंक कर देना होगा, मतलब कनेक्ट कर देना होगा। एंड उसके बाद जब आपके $100 हो जाते हैं, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि वहां पर से आप अपना इंडियन बैंक अकाउंट में विड्रॉ उठा सकते हो, ठीक है, ये एक तरीका होता है। और अदरवाइज अगर आप किसी थर्ड पार्टी प्रोग्राम के साथ कनेक्टेड हो यूट्यूब पे, जैसे कि MCN वगैरह के साथ, ठीक है, मल्टी नेटवर्क के साथ अगर आप कनेक्टेड हो, तो आप वहां से भी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका होता है अर्निंग करने का यूट्यूब के थ्रू, ओके। सो MCN बेसिकली क्या होता है कि MCN एक ऐसी कंपनी होती है जो कि थर्ड पार्टी, ओके, अगर आपका मान के चलो कि एडसेंस अकाउंट नहीं है, ओके, तो अभी आप ये कैसे करोगे कि मतलब अभी आप वहां से अर्निंग किस तरह करोगे, ओके। अर्निंग तो आपको करनी हो ना, अब तो विदाउट अर्निंग किए नहीं बैठ सकते घर में। उस दौरान क्या होता है कि किसी थर्ड पार्टी से आप प्रमोशन करवाओ, मतलब आपको वो प्रमोशन के पैसे दे, ओके। थाउजेंड व्यूज के आपको $1 कभी भी रिसीव नहीं होता, और कभी कभार हो भी जाता है, ये चीज आप मेरा एक तो पहला चीज जरूर से याद रखना, ठीक है, ये बिल्कुल ही भूलना मत कि $1000 का $1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर, आपके यूट्यूब वीडियोस के ऊपर कि आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो। अगर आप देखोगे कि अगर आपके पास 10,000 व्यूज आते हैं, ठीक है, और आपको उसके अगर अर्निंग पे आप अगर उसके अर्निंग को देखते हो, तो क्या दिखाता है कि वहां पर आपका $1 या $2 हार्डली शो करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका वीडियोस तो मानो कि अच्छा है, ठीक है, लेकिन सब एडवर्टाइजर के लिए सूटेबल नहीं है वो वीडियो, यानी कि हर एक टाइप के एडवर्टाइजर जो है आपके उस वीडियो पे एड्स नहीं चलाना चाहते, बहुत ही एडवर्टाइजर्स कम आए आपके उस वीडियोस पे, आपके उस वीडियो पे जो है क्लिक्स बहुत ही कम पड़े। इंप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, CPC कॉस्ट पर क्लिक, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है यूट्यूब पे। ये चीज आप जब तक नहीं समझोगे तब तक आप लेकिन यूट्यूब को अच्छी तरह नहीं समझ पाओगे। ये CPC बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर क्लिक, CPC का फुल फॉर्म, ओके। पैसा आपको YouTube किस तरह देता है कि आपके एड्स पे अगर कोई बंदा अगर कोई व्यूअर क्लिक करता है तो ही उस चीज से आपको पैसे मिलते हैं, उस चीज के आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन ओके। ये चीज तो आप लोग समझ लो, ठीक है, कि आपको जो है 1000 व्यूज का $1 मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। नॉर्मली मैं आपको खुद की बात बताऊं, ठीक है, तो मैं जब देखता था यूट्यूब पे कि मेरे जब 1 लाख व्यूज हो चुके थे यूट्यूब पे कंप्लीट, तो तब मुझे जो है $100 का रिसीव हो चुका था, मुझे मेरे अकाउंट पे गूगल एडसेंस पे जो है $100 हो चुके थे, यानी कि $100 हो चुके थे, और $100 होने के बाद ही आप जो है वहां से विदड्रॉ उठा सकते हो, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ लेना कि यूट्यूब पे जो है आपको मतलब ऐसा आपको एकदम पकड़ के मत चलो कि आपके पास लाख व्यूज है या आपके पास 1000 व्यूज है तो उसके आपको $1 या $100 मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी रेगुलरली चेंज होती रहती है। एडवर्टाइजर फ्रेंडली अगर आपका कॉन्टेंट नहीं है, तो आप कितना भी बढ़िया वीडियो क्यों ना बनाओ, नहीं होगा आपका, ठीक है, आपके YouTube की ओर से आपको एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली, ये चीज आप लोग लेकिन समझ लेना,
ठीक है। सो ये चीज़ जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ आपके इस वीडियो से, मतलब मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, ठीक है, कि YouTube जो है किस तरह पे करता है। ओके, YouTube देखिए सभी 100 व्यूज पे, मतलब सभी 1000 व्यूज पे आपको $1 पे नहीं करता, ठीक है, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आपका 1 लाख व्यूज होता है तब नॉर्मली जो है, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, आपका $100 कंप्लीट होता है। ये आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कोशिश करना यही कि आप हर एक वीडियो जैसी बनाओ जो कि हर एक एडवर्टाइजमेंट के लिए सुटेबल। सो ये था आज का मेरा ये वीडियो। इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।